मिलोर्ड, हमारे देश में घड़ी की सुई ये हमारे कैरेक्टर को डिसाइड करती है। यानी हम आज तक खुद को गलत डायरेक्शन में ही एफर्ट कर रहे हैं। वी शुड सेव आवर वॉइस नॉट गर्ल। इफ वी आर सेव आवर वॉइस, गर्ल विल बी ऑटोमेटिकली सेफ। ना एक शब्द नहीं, अपने आप में पूरा वाक्य है जज साहब। इसे किसी तर्क, स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन या व्याख्यान की जरूरत नहीं। ना का मतलब तो ना ही होता है जज साहब, ना ही होता है। शराब को हमारे देश में किसी के भी बैड कैरेक्टर की निशानी मानी जाती है, खास करके लड़कियों के लिए। लड़कों के लिए तो एक हेल्थ हाईसेट है। शहर में लड़कियों को अकेली या अलग नहीं रहना चाहिए, लड़के रह सकते हैं। इंडिपेंडेंट लड़कियां लड़कों को कंफ्यूज करती हैं, खास करके वो लड़कियां जो पार्टीज में जाती हैं और शराब पीती हैं। ऐसी लड़कियों के लिए ये लड़के किसी भी तरह के राय बनाने का पूरा हक रखते हैं। जो लड़कियां रॉक शोज में दिखती हैं वो हिंट है, और जो मंदिर या लाइब्रेरी में दिखे वो हिंट नहीं। यानी हमारे देश में वेन्यू डिसाइड करता है लड़कियों का कैरेक्टर। जैसा कैरेक्टर, रात में सुनसान सड़क पे लड़की दिख जाए तो गाड़ियां अपने आप स्लो होने लगती हैं, उनके सीसे डाउन होने लगते हैं, लेकिन दिन में ये महान आइडिया किसी को नहीं आता। जैसा किसी को नहीं आता, लड़कियों को लड़कों के साथ शराब नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि ये लड़के मान लेते हैं जो लड़की हमारे साथ शराब पी सकती है हमारे साथ सोने में भी कतराएगी नहीं। लड़कियों को लड़कों के साथ कहीं नहीं जाना चाहिए, खास करके रिसॉर्ट या टॉयलेट तो बिल्कुल यूज नहीं करनी चाहिए। क्यों गुप्ता जी, आप ऐसा ही कह रहे थे ना? क्योंकि वहां पे मौजूद लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये लड़की विलिंगली आई है और उसे टच करने का सबको हक मिल जाए। लड़कियों को लड़कों के साथ हंस हंस कर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी हंसी हिंट है और उसे ये हाँ समझ सकते हैं, और जो उनका नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है वो इनके चालू होने का सर्टिफिकेट देता है। बॉयज, इफ एनी गर्ल सेज नो, नो मीन्स नो, ऐसा कहने वाली कोई भी हो, आपकी जान पहचान की, आपकी सहपाठी, आपकी सहकर्मी, आपकी गर्लफ्रेंड या कोई सेक्स वर्कर या आपकी पत्नी क्यों ना हो, ना का मतलब तो ना ही होता है। और अगर कोई ना कहे